हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने एक ट्रेड प्लेस किया हुआ 19350 का पुट। मार्केट बहुत ही बढ़िया गैप अप खुला है और चांसेस है मार्केट तो बुलिश ही रहेगा, लेकिन हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक सेलिंग, छोटी सी एकदम एकदम 10 पॉइंट का सेल है और लगभग 30 पॉइंट या फिर हम कम से कम यहाँ तक जो ट्रेंड लाइन आएगी वहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। ये वाला मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है और यहाँ पे सेल जा सकता है अभी के अभी, क्योंकि मैंने बुलिश मोमेंट में एक पुट बाय किया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट जो है बहुत 3 दिनों से, मतलब पिछले 3 दिनों से देख सकते हो आप लोग, सीधा गैप अप फिर साइडवेज, सीधा गैप अप फिर साइडवेज, अब आज अगेन गैप अप खुला और फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम दे रहा है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश मार्केट ज़रूर करेगा, तो उसी का फ़ायदा हम यहाँ पर उठा सकते हैं। क्योंकि अगर उसने हाई डे हाई, अभी सुबह का जो डे लगाया था, हाई लगाया था, उसको क्रॉस किया है एक बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ, तो यहाँ पे क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है फिर इस कैंडल को देख के एंटर करेंगे बाइंग साइड। तो उन लोगों का एसएल लेने के लिए, उन लोगों को थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए मार्केट एक ज़बरदस्त फॉल दिखा सकता है यहाँ पे। तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने यहाँ पे पुट जो है वो बाय किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमारा जो ट्रेड है वो लगभग देखो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, ये देख सकते हो आप लोग, 30 रुपये 20 रुपये माइनस में चढ़ रहा है। दो लॉट मैंने लिए हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ये है नवंबर 19350 का पुट और ये हमारा ट्रेड तो अभी चल रहा है, देख सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाता है तो एक झटके में फिर अगेन एक ऐसी कैंडल बनेगी और हमारा एसएल ये ले जा सकता है, क्योंकि मोमेंटम जो है यह बुलिश है। पर मुझे लगता है कि यह थोड़ा ट्रैप करेगा और फिर अगेन बुलिश साइड जा सकता है, लेकिन फिर मैंने छोटे से ट्रेड के लिए प्लेस किया हुआ है। देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके चलो बाय। तो हमने जो है हमारा ट्रेड एग्जिट किया है, भले ही वो हमारे टारगेट की तरफ ही धीरे धीरे जा रहा था, पर हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया था उसमें बहुत ही कम प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा था, बहुत ही कम हो रहा था। अगर ये थोड़ा सा भी, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक भी जाती तो हमारा जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से माइनस में चला जाता, क्योंकि हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी प्रीमियम ले लिया था 350 का। मतलब स्पॉट पे अगर देखें तो मार्केट 350 के ही करीब चल रहा है, लेकिन फ्यूचर जो है, फ्यूचर लगभग 450 के आसपास चल रहा है। तो उस हिसाब से 400 का जो पी होता वो अच्छा तरह से वर्क करता हुआ हमें दिखता है यहाँ पे, लेकिन हमने जो लिया था वो स्पॉट के हिसाब से 350 का लिया था। उसमें उसका जो प्रीमियम है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था। देखो अभी वही पे चढ़ रहा है, कुछ खास उसमें मुंह नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने जहाँ से लिया था वहाँ से लगभग मार्केट 60 पॉइंट, ओके 60 टू 70 पॉइंट डाउन हुआ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो लगभग हाफ जो स्पॉट का प्राइस होता है उससे हाफ मूव कर जाता है, तो लगभग 8 रुपये या 7 रुपये लगभग हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, सिर्फ 3 रुपये या 3.5 रुपये ही पड़ पाया, तो इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया। हम वेट करेंगे, प्रीमियम थोड़े से हमारे फेवर में नहीं लग रहा है अभी, तो देखेंगे हम। अगर हमें यहाँ से इस लेवल से अगर कोई बुलिशनेस इसमें दिखेगी और अगर इसको ये थोड़ा सा अब जाके अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ से फिर से अगेन फिर इसी पुट को हम दोबारा बाय करेंगे, वरना अगर देखेंगे ऊपर की तरफ मिलता है तो हम 400 का पुट इसमें ऐड करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, और नहीं मिला तो फिर जाने देंगे। ओके चलो बाय। ओके तो फाइनली हमें री एंट्री मिली है
इस जगह पे मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया और जो हमारा ट्रेड था वो बहुत ही सक्सेसफुली डाउनफॉल दिया उसने। जो टारगेट था लगभग उससे ही ज़्यादा ही दिया, पर मैं और यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा और डाउन जाए। तो जैसे ही हमें एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट मिली तो इस जगह से हमें एक एंट्री मिली है जो कि अच्छी है, अच्छी एंट्री है। और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम सोचेंगे या तो बुलिश रहेगा या तो मार्केट साइडवेज रहेगा। तो इस हिसाब से हमने एंट्री ली है। लगभग हमारी अगर पोजीशन हम देखें तो 300 के अराउंड अभी प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो लेट्स सी क्या होता है, देखेंगे हम। ओके, 300 के अराउंड चल रहा है प्रॉफिट, एंट्री हमारी यही कही है। तो लेट्स सी देखेंगे अभी क्या होता है। ओके, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो फाइनली मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर चुका हूँ मैं, क्योंकि जो हमने इसे लगाया था वो लगभग हिट हो चुका है। और अगर इसके ऊपर निकल चुका है तो मतलब ये है कि अब या तो ये साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ा फॉल करके, मतलब साइडवेज ही जाएगा, थोड़ा फॉल करेगा फिर ऊपर जाएगा या फिर बुलिश हो जाएगा, या से अगेन एक मूव, बड़ा मूव ऊपर से की साइड आ सकता है। ओके, तो हमने हमारा ट्रेड क्लोज कर दिया है। लगभग जो सेल हुआ है हमारा 785 रुपये का सेल हुआ है। सुबह का जो मैंने अर्ली एग्जिट किया था उसमें मेरा प्रॉफिट था लगभग 350 के अराउंड, और वो जाके अब मैं ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो 785 रुपीज़। तो अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ये है मेरा ट्रेड आज के ट्रेड्स। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।